बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मुल्तान के शहरियों नौजवानों किसानों दुकानदारों ताजरोंवामान्नास मुतवस्सत और गरीब तर तबके से तल्लक़ रखने वाले अवाम मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जैसा कि आपके ऊपर कुछ माह से नहीं कई सालों से ये गुजर रही है कि मुसलसल बिजली की, की कीमतों में इजाफ़ा किया जा रहा है बिजली के बिल जो हज़ार पंद्रह सौ जिसका आता था वो अब दस बारह हज़ार रुपये और जिसका दस बारह हज़ार आता था वो सत्तर अस्सी हज़ार रुपये पहुँच चुके हैं और इसमें म ये है कि ये अभी भी ये अजाफ़ा जारी है और इसको ये सौ रुपए से भी फी ऊपर तक लेके जाना चाहते हैं जो यूनिट साठ रुपए का और कमर्शल दुकानदारों के लिए सत्तर रुपए से भी तजावज़ कर गया है वो सौ से जब ऊपर जाएगा तो आपके लिए बाकी ज़रूरिया के अलावा ये बिल भरना ही मुश्किल हो जाएगा जमात इस्लामी यूथ ने मेपको चीफ़ ऑफिस के सामने कल बीस अक्टूबर को सुबह दस बजे एक धरने का फैसला किया है इसमें आपकी शिरकत इन अफसरान बाला को मैप को हकाम को और इनके पॉलिसी साजों को वो हुक्मरान जिन्होंने ये पॉलिसियाँ तय की इन कंपनियों के साथ मदद किए गलत मददे किए और उनका सारा बोझ अवामाननास के ऊपर है उनको इन जरूर मजबूर करेंगे कि वो आपको रिलीफ दें वो बिजली के बिलों में कमी करें ना जायज़ टैक्सेस का ख़ात्मा करें इसके लिए अब अगर ज़रूरत है तो आपके निकलने की है वहाँ पर पहुँचने की है और इस धरने को ज़्यादा से ज़्यादा मज़बूत करने की है इन शे आई यूथ के हज़ारों नौजवान वहाँ पर होंगे मैं अवामनास से भी ये मुतालबा करता हूँ कि आप हमारे लिए नहीं जमात इस्लामी के लिए नहीं अपने हक़ के लिए निकलिए और इस धरने को कामयाब कीजिए इन जिस तरह पेट्रोल की कीमतों में कमी शुरू हुई है बिजली की कीमतें भी इन्हें वापस करनी ही पड़ेंगी जजाक